To get some interesting tech tutorials and hacks, please subscribe my channel and hit the bell icon. Subscriptions are always free. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम वेबसाइट डिफेसिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये कैसे होता है, और मैं आपको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझा दूंगा। दोस्तों, मैं इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल अपलोड नहीं करूंगा, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अपलोड करने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझा दूंगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ समझने से पहले हमको एक वेब पेज के बारे में समझना होगा, और उसी वेब पेज का नाम होता है इंडेक्स। जब आप कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो पेज सबसे पहले ओपन होता है उस चीज़ को कहा जाता है इंडेक्स पेज। अगर आप कोई किताब या तो फिर कोई कॉपी ओपन करेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पे लिखा रहता है इंडेक्स। उसी इंडेक्स पेज के अंदर लिखा रहता है कि कौन सा चैप्टर कौन सा पेज नंबर पे है, कौन सा कंटेंट कौन सा पेज नंबर पे है। तो उसी पेज से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो चैप्टर आप रीड करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर कहाँ पर लिखा गया है, कौन से पेज पर है। ठीक वैसे ही कोई भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं तो जो पेज पहले ओपन होता है वो पेज, उसी पेज का नाम होता है इंडेक्स। उस पेज के अंदर बहुत सारे लिंक्स रहते हैं, जिन लिंक्स के थ्रू अगर आप उस लिंक पे विजिट करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, इस पेज का नाम होता है इंडेक्स। इसी पेज का जो कोडिंग किया जाता है, अगर आप एक वेब डेवलपर है तो आपको ये पता ही होगा, या तो फिर आप वेब डेवलपर नहीं भी हैं तो भी आपको पता होगा कि कोई भी वेबसाइट कोड किया जाता है, वो PHP पे हो सकता है या तो फिर HTML में हो सकता है, लेकिन जो भी वेब पेज लोड होता है आपके ब्राउजर पे वो सब कुछ बेसिकली एक कोड है। HTML कोड हो सकता है या तो फिर PHP कोड हो सकता है, लेकिन वो एक कोड है, वो कोड ब्राउजर पे लोड होता है। एक ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उस कोड को रीड कर सकता है, उस कोड को रीड करके उसका स्पेसिफिक आउटपुट आपको दे सकता है। यही फंक्शनैलिटी है ब्राउजर का और कुछ नहीं है। और इन्हीं कोड को एक जगह पे होस्ट करके रखा जाता है, जिसको कहते हैं होस्टिंग। जब आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं सबसे पहले आप डोमेन खरीदते हैं, उसके बाद होस्टिंग खरीदते हैं। होस्टिंग बेसिकली एक स्टोरेज स्पेस जैसा होता है। उसी स्टोरेज स्पेस का एक स्पेशल कैपेबिलिटी होता है कि उस स्टोरेज स्पेस तक कोई भी रीच कर सकता है, वो स्टोरेज स्पेस एक्सेसिबल है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो अब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं शैम्प यूज़ कर रहा हूँ, तो शैम्प का जो फोल्डर होता है सी ड्राइव पे, उसके अंदर HT डॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि एक फाइल होता है index.php। तो मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लोकल होस्ट टाइप करके जो पेज मैंने ओपन किया ये वही index.php पेज है, वही index.php पेज ओपन हो रहा है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट /index.php, एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं वही पेज ओपन हुआ। ठीक है, तो जब आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे बस आप उसी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए URL बार पे, तो जो कुछ भी ओपन होगा उसी वेबसाइट का इंडेक्स पेज ओपन होता है। तो इस केस में, शैम्प के केस में आप देख सकते हैं कि ये फाइल PHP पे कोड किया गया है, index.php। ठीक है, ये एक PHP फाइल है। अगर हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट के थ्रू ओपन कर लेता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वो कोड, और हमारा जो ब्राउजर है वो इसी कोड को रीड करके आउटपुट दे रहा है। कोड ऐसा है और इसका आउटपुट ये है। अगर, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कोड है इस कोड को एक होस्टिंग स्पेस पे रखा जाता है, वो कहीं पे भी होस्टेड रह सकता है, लेकिन वो होस्टिंग स्पेस बेसिकली इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है। तो अगर ये जो कोड है इस कोड को हम चेंज कर दें किसी भी तरह से, अगर आप उस वेबसाइट वेब सर्वर को हैक कर सके किसी भी तरह से, तो ये इस कोड को चेंज करके आपने कुछ लिख दिया यू हैव बीन हैक्ड, तो वो चीज़ इसी ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने एक बेसिक सा PHP फाइल कोड करके रखा है /php.php। मैं अगर इस पे विजिट करूँ तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड व्हाट इज योर नेम, ठीक है,
और वो पेज यहाँ पे लोकेटेड है, ये रहा इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज और यहाँ पे है पी एच पी डॉट पी एच पी, वही पेज जो मैंने ओपन किया है यहाँ पे पी एच पी डॉट पी एच पी, और वही पेज यहाँ पे है। इसका कोडिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये जो एको कर रहा है हेलो वर्ल्ड, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू हैव बीन हैक्ड, और मैं इसको अगर सेव कर दूँ और इधर मैं इस पेज को रीलोड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यू हैव बीन हैक्ड, जो मैंने टाइप किया था वहाँ पे वो यहाँ पे लोड हो गया। और मैं इस कोड को इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज योर नेम, मैं ये टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कंट्रोल एस, और मैं इस पेज को लोड करता हूँ, अप्स क्या दबा दिया, बट लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी डॉट पी एच पी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब बाप रे क्या स्पेलिंग लिख दिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो यू हैव बीन हैक्ड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये है वेबसाइट डिफेसिंग का कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली कुछ भी बड़ा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि डिफेस करना मतलब बहुत बड़ा बात हो गया, वैसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या तो फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल है उसका कोडिंग आप चेंज करके कुछ ऐसा लिख देंगे कि ताकि जब उसी पेज को ब्राउजर के थ्रू कोई भी ओपन करेगा तो वो पेज का कोडिंग चेंज होकर कुछ दूसरा कुछ आउटपुट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने कर दिया, अगर मैं इस पेज का कोडिंग चेंज कर दूँ, इस इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज का कोडिंग चेंज कर दूँ तो ये भी कुछ वैसा ही रीड करेगा, लेकिन अभी मैं इसका कोडिंग चेंज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया पी एच पी डॉट पी एच पी और उसी पेज को मैंने आपको एडिट करके चेंज करके भी दिखा दिया। तो कुछ इस तरह से काम करता है वेबसाइट डिफेसिंग। ये ट्यूटोरियल उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब वो जो सर्वर है, वो जो होस्टिंग है जहाँ पे होस्टेड है वेबसाइट, उसी होस्टिंग स्पेस को, उसी होस्टिंग ओएस को आपको हैक करना होगा किसी भी तरह से। वो कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हो सकता है, एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उसी होस्टिंग स्पेस पे जो कोई भी पेजेस स्टोर किया गया है, वेब पेजेस जैसे पीएचपी पेज या तो फिर एचटीएमएल पेज, वहां से आपको इंडेक्स पेज को ढूंढ के निकालना होगा। सिर्फ इंडेक्स पेज ही नहीं, कोई भी पेज हो सकता है, उस पेज को ढूंढ के निकालना होगा, उस पेज के जो कोडिंग किया गया है उस कोड को चेंज करके कुछ ऐसा कुछ टाइप कर देना होगा, तो वो वेबसाइट डिफेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये डिफेस कोई भी वेबसाइट पे करते हैं तो आप जेल पे जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप जेल पे जाएंगे और कुछ नहीं। अगर आप डिफेस करके कोई वेबसाइट ओनर को बताएंगे कि मैंने आपका वेबसाइट डिफेस किया, क्या मुझे कोई बाउंटी मिलेगा, तो वो वेबसाइट ओनर आपको जेल पे भेजा देगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।